बैक टू माई चैनल पीए व्लॉग्स। आप लोग देख रहे हैं पीए व्लॉग्स। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आ चुका अपने चैनल पे वापस। तो अभी मैंने कल एक वीडियो आज एक वीडियो डाली है, ये भी आज ही आ जाएगी, एक ही दिन में दो वीडियो। तो जाओ देखो, काइट मार्केट की वीडियो डाली है, उस पर जाकर के प्यार दिखाओ अपना। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और आप लोग थंबनेल देख के वैसे समझ ही गए होंगे और टाइटल देख करके। फिर भी चलो स्टार्ट करते हैं, और एक बार बता दूं कि है क्या। तो ये एक ज्योमेट्री बॉक्स है, ये आप लोगों ने जिन्होंने वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा, ये मैंने मंगवाया, मेरे को मतलब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट था ये। तो इसमें ये बहुत ही ट्रेंडिंग चीज़ थी, इसमें पासवर्ड लगा हुआ है ज्योमेट्री में, तो जिन्होंने वीडियो देखी उन्हें पता है। और बाकी लोगों का ये हो रहा है कि मेरे को जिस सेलर्स ने मेरे को भेजा था उनके यहाँ से वो आ रही है रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इसका मतलब, उन्होंने उनको कस्टमर्स कह रहे हैं कि उनके पास जैसे इसमें जो है यहाँ पर पासवर्ड दे रखा होता है, इसमें होता है कि लोगों का पासवर्ड खो जा रहा है, याद नहीं रहता या कुछ होता है, या हमेशा पासवर्ड निकलता ही है, होता ही है, लेकिन बाई चांस मतलब कभी किसी 1000 या 2000 प्रोडक्ट्स बेचने के बाद ऐसा कुछ होता है कि कभी रह जाता है पासवर्ड, तो इतना वो नहीं होता। तो इसके लिए मैंने एक हैक ढूंढा है, तो अभी मैं उसके लिए शो करूँगा, क्योंकि लोगों का मेरे पास भी कमेंट आया है कि आप लोग आप दिखाओ इसका कोई हैक बनाओ कि हमारा पासवर्ड खो गया, हम कैसे रीसेट करें या क्या करें। तो पासवर्ड वगैरह रीसेट नहीं हो सकता क्योंकि डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन मैंने एक तरीका बहुत ज़बरदस्त ढूंढा है जिससे आप लोग सेट कर सकते हो सिर्फ आप लोगों के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत चला जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे अभी यहाँ पर मेरे को जो पासवर्ड दे रखा है वो 1171 दे रखा है, ठीक है। तो अब मुझे तो यहाँ पे तो पासवर्ड पता है, तो यहाँ पर जो रोलर्स है ना उन पे यहाँ पर ऊपर छोटी सी डॉट दे रखी है कि यहाँ पे आपको सेट करना है। तो मैं यहाँ पे 1171 मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। तो इसका फंडा क्या है कि इसे जो ये स्प्रिंग होती है ना, अभी जो इसका साइड का वो है, अभी से हम दबाते हैं तो ये खुल जाता है क्योंकि हमारा पासवर्ड सही है। और इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे कि ना, ये सारे एक लाइन में, जब पासवर्ड आपका सही है और नीचे इसमें एक स्प्रिंग दे रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर वो जो स्प्रिंग होती है वो एकदम सीधी लाइन में जा करके हिट करती है वहाँ पर, तो वो मशीनरी जो अंदर से है वो इसे अनलॉक कर देती है, यहाँ से जो इसके अंदर होता है वो खुल जाता है, वो स्लाइड हो जाता है ईजिली। तो अब मैं दिखाता हूँ कि अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है और आप भूल गए हो या क्या है, तो आप कैसे इसे समझ सकते हो। तो देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप हल्का सा हाथ रख लो अपना, ये अपने पेरेंट्स या किसी के साथ ही करो क्योंकि ये नुकीली चीज़ से ही खुलता है, या बच्चे ना ही करें तो अच्छा है। इसको हल्का सा यहाँ से नाइफ से आराम से एकदम उठाना है, यहाँ से ऐसे, ये आप देखो। अब आप ये मत सोचना कि ये टूट गया, आपको बड़े प्यार से करना है इसे हैंडल, कि टूटे भी ना हो और कुछ ना हो, इसे आराम से निकाल के आप इसे साइड रख लो। अब यहाँ पर आप देखो, जो मैं चीज़ आपको कह रहा था कि ये चीज़ लाइन में आनी चाहिए, यहाँ पर ये स्प्रिंग है, यहाँ से अगर मैं इसे भी प्रेस करता हूँ तो ये देखो यहाँ से स्प्रिंग प्रेस हो रही है, ये देखो सारे बटन्स भी उड़ गए हैं क्योंकि वो ऊपर लॉक नहीं था, कोई नहीं। तो अब आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो इसमें ना सेम शेप बनी हुई है, जब ये सेम शेप में रोलर्स लगते हैं तो इसका मतलब पासवर्ड हमारा वही है, तभी ये आगे जाएगा जब हमारा सेम शेप में लगेगा। तो इसे लगा करके दिखाता हूँ कि जैसे अगर आपको अपना पासवर्ड जानना है तो आपको आराम से उठाना है, इतनी स्पीड में नहीं, क्योंकि आपको ये मेन सीधी लाइन में होना चाहिए। तो अब जैसे यहाँ पर 1 है, मेरे को पता है पासवर्ड, तो यहाँ पर मैंने 1 लगाया, दूसरा 1 ढूंढ रहे हैं, ये लगाया हमने दूसरा 1, ये लगाया हमने यहाँ पे 7। हमें ये देखना है कि इस साइड से नीचे फिट करने पे ऊपर सबसे कौन सा नंबर आ रहा है, जो हमारे पास पासवर्ड है वही आना चाहिए। और आपको नहीं भी पता तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये आराम से उठाना है, इतनी हड़बड़ी में नहीं, ताकि आपका आगे पीछे ना हो जाए, वो भी बताता हूँ उसका भी क्या फ़ायदा है। अब ये यहाँ पे सेट हो गया है, तो एक बार इसे मेरा मतलब यहाँ पे आप देख लो, ये पासवर्ड बन चुका है, जो एक्चुअल पासवर्ड होता है डिफ़ॉल्ट वाला, तो ये पासवर्ड यहाँ पे सेट हो चुका है, ये जो था यहाँ पे 1171 यहाँ पे मैंने सेट कर लिया। तो अब मेरा ज्योमेट्री आराम से खुल जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ, ये तो था कि अगर आपका पासवर्ड खुल जाए तो आप कैसे इसे अनलॉक कर सकते हो और अपना पासवर्ड फिर से जान सकते हो। अब अगर किसी को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई दूसरा आपका ज्योमेट्री नहीं खोल सकता आपके पासवर्ड के बिना, बाई चांस किसी को पता चल जाता है और आपका फिर से, जैसे मैं बताया था अगर सामान वगैरह गायब होता है, अगर कुछ हो रहा है, तो उसके लिए वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक हैक है इसका, मैं बताता हूँ। अब आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पर 1171 मेरा पासवर्ड दे रखा है, तो आप यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो, आप नंबर इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे
यहाँ पे मेरा 1 है स्टार्टिंग में, तो बाकी तो 3 और 1 है, तो मैं उनमें कहीं भी रिप्लेस करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक 1 वाला साइड रखता हूँ और एक 7 वाला साइड रखता हूँ। अब मैं 7 वाले को स्टार्टिंग में लगा दूंगा 1 की जगह, तो ये पासवर्ड बन जाएगा और 1 को 7 की जगह लगा दूंगा। तो आप देख सकते हो मेरा पासवर्ड ये जो बनेगा ये हो गया अब 7111। तो ये 7111 हो गया बजाय उसके कि 1171 के। तो ये ऐसे काम करेगा, मैं दिखाता हूँ कि इससे भी खुल जाएगा। मैंने ये पासवर्ड चेंज कर लिया है, इसे लगाओ आराम से, कर लिया इसे आराम से फिट। अब देखो रोलर को एक बार घुमाता हूँ। अब पहले जो हमारे पास ये वाला पासवर्ड दे रखा है 1171, इसको ट्राई करके देखते हैं। 1171। तो ये देखो नहीं खुल रहा ना ज्योमेट्री, देखो 1171 पासवर्ड दे रखा था। अब मैंने जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने उसमें चेंज करा क्या, मैंने नंबर्स इंटरचेंज कर दिए थे वैल्यूज। यहाँ पर जो 7 था उसको मैंने यहाँ ले आया और 1 को उधर ले गया। तो अब मैं 711 जो हमने नया लगाया था वो करते हैं, वो था 7 1 1 और 1। तो अब देखते हैं खुलता है या नहीं खुलता। तो ये देखो खुल गया ना आराम से। तो ये है कि ये बहुत अच्छा है क्या, इसमें अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है, आपके किसी फ्रेंड को पता चल गया, आपके फिर से कुछ भी हो रहा है, कोई भी हो रहा है, फिर से आपका सामान गायब हो रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, पासवर्ड भूल गए हो, कुछ भी हो, तो ये आप कर सकते हो। आप पासवर्ड अपना चेंज कर सकते हो, लेकिन हाँ आपके पास ऐसे नंबर्स होने चाहिए तो पासवर्ड में कि आपका बहुत सारे आप आगे पीछे करके चेंज कर सको। जैसे अब इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें एक ही बार चेंज हो सकता है, या तो आप वही वाला सेम रखो या फिर 7 को रिप्लेस कर दो तभी चेंज होगा, वरना नहीं होगा, या फिर और बिल्कुल ही आगे पीछे कर दो तब होगा। तो ये है क्या, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार बताओ मेरे को कमेंट में। अगर मैं अगर मतलब इसमें अगर आपको सही से नहीं समझ में आ पाया वीडियो में, आप 2 बार देखो 3 बार देखो ज़रूर समझ में आएगा। नहीं आ रहा फिर भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं है। और बस ये ऐसी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो। चलो टिल देन बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.